हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ पाइथन फंडामेंटल। इससे पहले हमने पाइथन फंडामेंटल की प्रीवियस दो क्लासेस देखी। ओके, आई होप वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो मेरी पिछली दो वीडियोस फंडामेंटल की जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ अब हम आते हैं पाइथन के फंडामेंटल की थर्ड क्लास में। ओके, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर वैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाए जाते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, सभी में आइडेंटिफायर पाए जाते हैं। ओके, तो बेसिकली आइडेंटिफायर होता क्या है? आइडेंटिफायर इज अ नेम विच कॉल्ड आइडेंटिफायर। या प्रोग्राम में कुछ भी लिखते हो, जो भी आप प्रोग्राम में लिख रहे हो उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ओके, आप प्रोग्राम में आपने लिखा ए इज इक्वल टू 10, बेसिकली ये वेरिएबल है। वेरिएबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिफायर, यानी जिससे कि आप किसी भी कंटेंट को आप पहचानते हो उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। ओके, पाइथन में हम आइडेंटिफायर्स कितने हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ओके, तो पाइथन में आइडेंटिफायर को पहचानने के या आइडेंटिफायर को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हम देखेंगे। सबसे पहला रूल, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। आपके प्रोग्राम का जो आपके प्रोग्राम में जो आप आइडेंटिफायर बनाओगे उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा कैरेक्टर होना चाहिए। ओके, या अंडरस्कोर से आप शुरू कर सकते हो। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैश इज इक्वल टू 10, ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि सी ए एस एच ये क्या है, ये अल्फाबेट्स हैं और इज इक्वल टू 10, यानी ये जो आपका है कैश, ये क्या है, ये आपका एक वेरिएबल का नाम है जिसकी वैल्यू क्या है 10, तो ये क्या है, ये वैलिड है। उसके बाद सी ए डॉलर सिंबल एच इज इक्वल टू 10, या देखिए ये इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने डॉलर सिंबल का यूज किया है, डॉलर सिंबल इसमें अलाउ नहीं होता। ओके, नाउ ऑल एट द रेट कैश इज इक्वल टू 10, ये भी इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि आप एट द रेट सिंबल का यूज नहीं कर सकते। ओके, तो अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में अगर समझें तो आप बस ये समझिए कि जो भी आपका आइडेंटिफायर होगा वो स्टार्ट होगा कैरेक्टर से, अल्फाबेट से। ओके, और सेकेंड रूल इसका है, आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम डिजिट। आइडेंटिफायर जो है वो डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। ओके, आइडेंटिफायर को आप डिजिट से शुरू नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल, यहाँ पर मैंने लिखा टोटल 1 2 3 इज इक्वल टू 10, ये बिल्कुल वैलिड है क्योंकि पहला जो कैरेक्टर्स हैं वो पहले जो वैल्यू है वो क्या है, कैरेक्टर है। ओके, 1 2 3 लास्ट में है। ओके, लेकिन अगर आप यही लिखते हो 1 2 3 टोटल इज इक्वल टू 10, तो ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि कीवर्ड नेम सॉरी वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम नंबर, वो नंबर से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। ओके, नाउ थर्ड रूल, पाइथन आइडेंटिफायर इज केस सेंसिटिव। पाइथन आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होते हैं, आप या तो लोअर केस का यूज करोगे या तो अपर केस का यूज करोगे। ओके, जैसे स्मॉल टी ओ टी ए एल, यानी ये सारे लोअर केसेस में है, इज इक्वल टू 10, बिल्कुल वैलिड है। कैपिटल टी ओ टी ए एल इज इक्वल टू 20, ये भी वैलिड है। सारे अपर केस टी ओ टी ए एल इज इक्वल टू 30 30, ये भी वैलिड है। ये सारे के सारे वैलिड है, लेकिन ये एक दूसरे से अलग है। जब आप टोटल को कॉल करोगे तो ये आपको 10 प्रोवाइड करेगा, ना कि 20। ओके, मान लो मैंने अपर केस टोटल को मैंने कॉल किया तो ये 30 प्रोवाइड करेगा, ये 10 और 20 प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, नाउ देयर इज नो लेंथ लिमिट फॉर आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को लेंथ लिमिट नहीं है, आप जितने चाहो उतने नंबर्स कैरेक्टर्स आप बना सकते हो। मान लो मैंने 50 बार ए ए ए लिखा इज इक्वल टू 10 दे दिया, तो ये बिल्कुल वैलिड है, नो प्रॉब्लम। ओके, नो कीवर्ड कैन बी यूज आइडेंटिफायर। कीवर्ड हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड पाए जाते हैं जिनको हम रिवर्स की कहते हैं, जो प्रोग्रामिंग के लिए रिवर्स होते हैं, रिजर्व होते हैं, हम उनका यूज नहीं कर सकते एज एन आइडेंटिफायर। ओके, आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि आप की आइडेंटिफायर बनाने में किसी स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते, जैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क, एट द रेट, हैश सिंबल, परसेंटाइल एंड स्टार, इन सब का यूज आप नहीं कर सकते। ओके, मल्टीपल असाइनमेंट इज अलाउड। पाइथन मल्टीपल असाइनमेंट को अलाउ करता है, जैसे एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 10, यानी अगर आप एक्स को कॉल करो, वाई कॉल करो, जेड को कॉल करो, इन तीनों की वैल्यू ये क्या प्रोवाइड करेगा, 10 प्रोवाइड करेगा। ओके, अगर इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हो तो एक इसका एग्जाम्पल देखो, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 10। ओके, नो प्रॉब्लम, आप x को कॉल करो, वैल्यू इज 10, आप z को कॉल करो, वैल्यू इज 10। ओके, हाँ, इनके एड्रेस में थोड़ा चेंज होगा या नहीं होगा वो हम आगे देखेंगे। ओके,
इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड आइडेंटिफायर। आप इंटरव्यू में जाते हो तो कुछ ऐसे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि भाई इनमें से क्या है, या एमसीक्यू को एग्जाम आप दे रहे हो उसमें एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से वैलिड आइडेंटिफायर कौन है। तो यहाँ जितने भी मैंने रेड कलर में दिए हुए हैं वो सारे इनवैलिड है। सी ए डॉलर सिंबल एच इनवैलिड, 1 2 3 टोटल इनवैलिड, ऑल एट द रेट टोटल इनवैलिड, ओके टोटल 1 2 3 वैलिड है, कैश टोटल कैश वैलिड है, जावा 2 शेयर वैलिड है, इफ इनवैलिड, क्यों? क्योंकि इफ कीवर्ड है, उसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे। अंडरस्कोर एबीसी अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्सवाईजेड, ये बिल्कुल वैलिड है, क्यों? क्योंकि आइडेंटिफायर को आप या किसी भी वेरिएबल नेम को आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, आई होप यहां तक आप सब लोग क्लियर होगा कि आइडेंटिफायर बनाए कैसे, कोई लेंथ लिमिट इसकी नहीं होती, आप जितने चाहे उतने बना लो। ओके, बाकी इन सब के बारे में और डिटेल हम लोग आगे प्रोग्राम में देखेंगे। ओके, और इससे पहले जितने भी 1 और 2 फंडामेंटल 1 और फंडामेंटल 2 के जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो। अगर आप पहली बार चैनल में आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, आपको इसके सब्सक्राइब करना है सो दैट आप सारे वीडियोस को एक साथ ऑक्यूपाई कर सको। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड। रिजर्व वर्ड या कीवर्ड ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाए जाते हैं। ओके, तो पाइथन में भी कीवर्ड्स होते हैं विच कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द इंटरप्रेटर और कंपाइलर, जो कि जिनकी मीनिंग क्या होती है, फिक्स होती है, यानी कंप्यूटर को पता है कि अगर ये कीवर्ड यूज हो रहा है तो इसका क्या मतलब है। ओके, ईच कीवर्ड हैव अ स्पेशल मीनिंग एंड स्पेसिफिक ऑपरेशन, हर कीवर्ड का एक अलग मतलब होता है और उसका अलग काम करने का तरीका होता है। ओके, देयर आर 33 कीवर्ड्स आर अवेलेबल इन पाइथन। पाइथन में 33 कीवर्ड है। आपने सी देखा होगा, सी प्लस प्लस देखा होगा, जावा देखा होगा, सब में नंबर ऑफ कीज पाई जाती हैं। ओके, पाइथन में 33 कीवर्ड्स पाए जाते हैं। ओके, और दीज कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल, इन कीवर्ड का यूज हम वेरिएबल की तरह नहीं कर सकते, अभी प्रीवियस थोड़ी देर पहले हमने देखा था। ओके, ऑल 33 कीवर्ड कंटेन्स अल्फाबेट्स ओनली। ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे अल्फाबेट्स ही हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं, कोई डिजिट नहीं। ओके, और int float etc आर नॉट अवेलेबल, यानी कीवर्ड में पाइथन में कीवर्ड की लिस्ट में int और float नहीं होते। क्यों नहीं होते वो हम आगे देखेंगे अभी। ओके, ये आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन भी छोड़ रखा है कि ये क्यों नहीं होते। ओके, नाउ अब देर आर 33 कीवर्ड इन पाइथन, ये है उन पाइथन उन कीवर्ड की लिस्ट। ओके, ट्रू फॉल्स नन एंड और नॉट is, if, elif, else, while, for, break, continue, return, in, yield, try, accept, finally, raise, assert, import, from, as, class, def, pass, global, non-local, lambda, del, और with. Okay, तो ये सारे keywords हैं आपके। आप इस keyword, इन सारे keywords की list जो है वो आप अपने आईडीएलई के थ्रू चेक भी कर सकते हो, आप ऑटोमेटिक भी इसको चेक कर सकते हो। कैसे? इसके लिए हमें लिखना होगा, टाइप करना होगा इंपोर्ट कीवर्ड keyword.kwlist, चेक करिए, इंपोर्ट keyword.kwlist, एंटर। ये देखिए, आप जैसे ही ये एंटर करोगे keyword.kwlist लिख के, ये तुरंत आपको जितने भी कीवर्ड्स है वो सारे की सारे लिस्ट को आपको प्रोवाइड कर देगा। जितने हमने वहां पे देखे अभी वो सारे के सारे कीवर्ड यहां पर आपको अपने आप अवेलेबल हो जाएंगे पाइथन के आईडीएलई में। ओके, आई होप ये सारे क्लियर होंगे, इनमें से कुछ हम लोग आगे फर्दर यूज करेंगे। ओके, नाउ डेटा टाइप इन पाइथन, उसके बारे में थोड़ी और जानकारी अगर देखें हम तो, डेटा टाइप इज टाइप ऑफ डेटा यूज इन प्रोग्राम। ओके, यानी कीवर्ड अभी तक हमने जितने देखे थे प्रीवियस, ये सारे हम लोग अपने प्रोग्राम में 1 by 1 यूज करेंगे। आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से कंपेयर करोगे तो कुछ कीवर्ड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, या कुछ कीवर्ड जो सिर्फ यहाँ यहीं पर अवेलेबल है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं पाए जाते। ओके, आगे हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इंपॉर्टेंट पार्ट डेटा टाइप होता है।
डेटा टाइप का मतलब बेसिकली टाइप ऑफ डेटा यूज इन प्रोग्राम। आप प्रोग्राम में किस तरह का डेटा यूज कर रहे हो उसको डेटा टाइप कहते हैं। अब देखिए, पाइथन बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर टाइप एक्सप्लिसिटली। आपको यहाँ डेटा का टाइप बताने की जरूरत यहां पर नहीं है, पाइथन में नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइप ऑफ डेटा विल बी कंसीडर्ड ऑटोमेटिकली, वो खुद अपने आप उसको ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेगा। जैसे एग्जाम्पल अगर इसका देखें, मैंने यहां पे लिखा ए इज इक्वल टू 10। देखिए कोई प्रॉब्लम, कोई एरर नहीं। अब ए को मैं प्रिंट करूं तो वैल्यू क्या आई? 10। अब मुझे इसका देखना है कि भाई ये इसका डेटा टाइप है क्या, तो मैंने लिखा टाइप, टाइप फंक्शन का हम यूज करते हैं, TYPE टाइप ब्रैकेट में ए एंटर क्लास इंट। ये खुद ही बताएगा कि भैया ये डेटा टाइप क्या है, इसका इंट है। तो आपको यहां पर उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। पाइथन के इस फीचर को डायनामिकली टाइप्ड कहते हैं। पाइथन के फीचर में मैंने इसकी बात की थी। तो ये पाइथन का सबसे इंपॉर्टेंट एक फीचर है, डायनामिकली टाइप। आपको डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है उसको। दैट्स व्हाई पाइथन इज कॉल्ड डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जहां पर हमें डेटा टाइप बताना पड़ता है उन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन को अगर हम कंपेयर करें तो सी और सी प्लस प्लस में आप क्या लिखते हो? इंट और फ्लोट और कैर ए इज इक्वल टू 10। मुझे अगर लिखना है, मुझे अगर 10 प्रोवाइड करना है तो मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10। जावा में भी हम इंट ए इज इक्वल टू 10 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सी प्लस प्लस, सी और जावा ये सब स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि पाइथन में आपको सिर्फ ए इज इक्वल टू 10 लिखना है। आप जो वैल्यू दोगे उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेगा उसका डेटा टाइप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पाइथन का, जिसको हम डायनामिकली टाइप्ड फीचर कहते हैं। आगे हम जितने भी प्रोग्राम करेंगे वो हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे इसका। आई होप ये क्लियर होगा सबको। नाउ एज ऑफ इन पाइथन टाइप ऑफ डेटा विल बी कंसीडर्ड ऑटोमेटिकली, बट वी कैन ऑल्सो चेक द टाइप ऑफ डेटा यूज बाई टाइप। अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया इसका, आप टाइप लिख के ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम दोगे और एंटर करोगे तो वो खुद आपको उसका डेटा टाइप बताएगा। जैसे इफ ए इज इक्वल टू 10, आपने लिखा प्रिंट टाइप ए, इट विल रिटर्न इंट, ये इंट बताएगा। अगर आपने लिखा ए इज इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा में ए प्रिंट लिखा इसका, तो ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। ये कैर यू रिटर्न नहीं करता प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ये कैर रिटर्न नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी इफ ए इज इक्वल टू 10.5, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू है, तो अगर आप इसका टाइप चेक करोगे तो इट विल रिटर्न फ्लोट। सो वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा इन अवर प्रोग्राम। हमें इसको टाइप करने की, उसको बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डायनेमिकली टाइप प्रॉपर्टी की वजह से वो ऑटोमेटिकली उसको कंसीडर कर लेगा। आई होप ये सबको क्लियर होगा। नाउ अब नंबर ऑफ डेटा टाइप्स देखते हैं पाइथन में। देयर आर 14 डेटा टाइप अवेलेबल इन पाइथन। पाइथन में 14 डेटा टाइप होते हैं। और हाँ, एक और चीज अगर मैं बात करूं तो अभी हमने प्रीवियस कीवर्ड्स देखे थे, कीवर्ड की लिस्ट हमने देखी थी, उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो नहीं पाए जाते, सच एज डू नहीं था उसमें, स्विच नहीं था, जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पाए जाते हैं। जी हाँ, वो पाइथन में नहीं पाए जाते। हाँ, लेकिन उनके प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। हम स्विच प्रॉपर्टी का यूज करके प्रोग्राम जरूर बनाएंगे लेकिन उसमें स्विच कीवर्ड यूज नहीं करेंगे। तो वो हम लोग फर्दर देखेंगे। नाउ 14 डेटा टाइप पाइथन में अवेलेबल होते हैं, जिनको हम अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। जिसको मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया सो दैट हम आसानी से उसको समझ सकें, और उनके यूजेस के अकॉर्डिंग भी उसको दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहला है फंडामेंटल डेटा टाइप और दूसरा है नॉर्मल डेटा टाइप। फंडामेंटल डेटा टाइप जो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यूज करेंगे, काफी ज्यादा जिनका यूज होगा, दोज आर इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुल और एसटीआर। इंट इंटीजर वैल्यू के लिए, फ्लोट फ्रैक्शन वैल्यू के लिए, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, बुल बुलियन के लिए, एसटीआर स्ट्रिंग के लिए। इसके अलावा जो नॉर्मल डेटा टाइप्स हैं वो हमारे हैं लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्ट, बाइट, बाइट एरे, रेंज और नन। ये आपके अदर्स डेटा टाइप्स हैं। तो इनके बारे में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट वीडियोस में या नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट जो भी सेशंस आपके होंगे उनमें इन सब के बारे में प्रॉपर डिस्कशन किया जाएगा, इन सब के बारे में प्रॉपर बताया जाएगा आपको। ओके नाउ, अब जिस तरीके से आपने देखा डेटा कीवर्ड्स में, आपने देखा कि हमने कीवर्ड को कैसे यूज किया, किस तरीके से कीवर्ड को कॉल किया। ओके और डेटा टाइप, डेटा टाइप में कौन 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 से डेटा टाइप पाए जाते हैं। ओके आप कैसे डिफाइन करोगे उसको, किस तरह से बताओगे। हाँ अगर हम ये पार्ट देखें कि भाई इफ ए इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू दिस, ओके तो ये किस तरीके से काम करता है, तो इसका भी अगर हम एक एग्जांपल देखें, तो जस्ट सपोज मैंने यहां पे लिख दिया ए इज इक्वल टू 10.5। ओके डन, ए की वैल्यू 10.5। नाउ अगर हम चेक करें इसका टाइप ऑफ ए, एंटर क्लास फ्लो, जो ये बताता है कि ये क्या है, ये फ्लोट टाइप का डेटा है। नेक्स्ट a इज इक्वल टू, मैंने सिंगल नोटेड कॉमा में स्मॉल a दे दिया। ओके नो प्रॉब्लम, a की वैल्यू क्या है, स्मॉल a। ओके नाउ चेक द टाइप ऑफ a, दिस इज क्लास str, ये स्ट्रिंग है। ओके तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, आपको प्रॉपर बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये int a है या आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हो। आप जब उसको वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप क्या करेगा, आपके डेटा टाइप को कंज्यूम कर लेगा। ओके सो आई होप यहां तक सभी लोग का क्लियर होगा। ओके अब नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल डेटा टाइप देखेंगे। फंडामेंटल डेटा टाइप जो हमने ये देखे, ये पांचों, इन सब इन पांचों के बारे में ब्रॉड डिस्कशन करेंगे विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, इन सब के बारे में हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। ओके तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। आज जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रीवियस दो वीडियोस भी मेरे देखें, फंडामेंटल वन और फंडामेंटल टू, सो दैट फंडामेंटल थ्री वीडियो उनको प्रॉपर क्लियर हो। ओके और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए, प्रॉपर डिटेल के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ डेटा टाइप्स चेक करेंगे। ओके अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।